हेलो स्टूडेंट्स स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाया गया है और बहुत ही एग्जाम को देख के बनाया गया है जो आपके एग्जामों में हंड्रेड परसेंट पूछे जाएंगे तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रीवियस पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें तो चलिए शुरू कर आजगा पहला क्वेश्चन कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है जो आसानी से मुँह में घुल जाता है तो इसका आंसर होगा स्टार्च का नेक्स्ट क्वेश्चन से कंपन तल तथा ध्रबन तल के बीच कौन कितना होता है तो कंपन तल और धुरबन तल के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोन होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से तो इसका आंसर होगा एड्रिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा ग्रंथि को अंतस्रावी ग्रंथि तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अंतस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है थाइरॉक्सिन को ये एक सॉल्टेड हारमोन्स है नेक्स्ट क्वेश्चन से, से गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हारमोन्स की सुई लगाई जाती है तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोशिन तो जैसे गाय और भैंस को सुई दे के दूध को बढ़ाया जाता है तो वो सुई ऑक्सीटोसिन का ही होता है अगर ऐसा सुई लगाया जाए तो उसका श्रावण दूध श्रावण बढ़ जाता है अगले चार पाँच दिनों तक और यही हार्मोन है जो छोटे बच्चों को भी दूध पीने में सहायता करती है नेक्स्ट क्वेश्चन से पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे बेसैक्टोमी कहा जाता है ठीक है बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को नेक्स्ट क्वेश्चन से स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है यह भी वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी तो याद रखना मेल का अगर होगा तो बेसेकटोमी फीमेल का होगा तो ट्यूबेक्टोमी एम बी एफ टी नेक्स्ट क्वेश्चन से केफ्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है तो कैस चक्र में हमेशा पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होगा ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन से रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगा वो लिम्फोसाइट ही करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब खून शरीर के बाहर आता है तो वो जम जाता है लेकिन मानव शरीर के अंदर वो क्यों नहीं जमता है बहुत ही रोचक क्वेश्चन हैं जब आपको चोट लगती है तो जैसे ही खून निकलना शुरू होता है तो फिर पाँच दस मिनट बाद वो रुक जाता है क्योंकि खून वहाँ पे जम जाता है जेली टाइप का बन जाता है और यही चीज़ शरीर के अंदर जब वो खून रहता है तो फिर जमता नहीं है तो ऐसा होता है हिपेरिन के कारण ये एक एंजाइम से और ये निकलता है यकृत से ठीक है और ये खून को जमने नहीं देता नेक्स्ट क्वेश्चन से एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा ब्लड फ्लो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है तो इसका आंसर होगा नियासिन की कमी से नेक्स्ट क्वेश्चन से हृदय रक्त का संभारण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है तो इसका आंसर होगा फुसफुस धमनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त का थका बनाने में फाइब्रिनोजेन को फेब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम्स कौन सा है तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से हृदय की धड़कन नियंत्रित किस खनिज से होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा पोटेशियम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन से भैंसों के दूध में बसा की मात्रा औस्तन कितनी होती है तो इसका आंसर होगा सेवन पॉइंट टू परसेंट ये बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए कहा जाता है भैंसों का दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें बसा की मात्रा ज़्यादा होती है और गाय में इतना नहीं होता इससे कम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं तो इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन्स ठीक है एच सी नेक्स्ट क्वेश्चन से मोह पैमाना उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा कठोरता मापने के लिए अगर चट्टान की कठोरता मापना हो तो भी मोह पैमाना का ही प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन सा है मतलब प्रोटीन में एक ऐसा घटक जो हंड्रेड परसेंट रहना ही रहना है तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन हर प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजन के बिना कोई भी प्रोटीन नहीं बन सकता नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडीज बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एंटीबॉडीज बनते हैं टांसिल में तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि नर्सिंग इंट्रेस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैनल में आपको मिल जाएगा और कोई भी अपडेट्स होगा सबसे पहले पता चल जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय